आपको पथिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। इसके जो पद्यकार हैं जिन्होंने इस खंड को लिखा है वो है राम नरेश त्रिपाठी जी। इनके जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनका जन्म 1881 में कोईलीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। उनकी प्रमुख रचनाएं थी मिलन, पथिक, स्वप्न, खंड, ये खंड काव्य था, मानसी, फुटकर, कविता संग्रह। इनकी जो मृत्यु है 1962 में हुई। राम नरेश त्रिपाठी छायावार पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने प्राइवेट रूप से अपना अध्ययन किया है, रेगुलर इन्होंने नहीं पढ़ा है। इनकी कविताओं में के प्रिय जो विषय है समाज सुधारक के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया। कविता कौमुदी 8 भाग में। इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है जिसे उन्होंने गांव-गांव घूम घूम कर एकत्र किया। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि में हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेम प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, स्मरण आदि अन्य विद्याओं की में भी रचनाएं की। पथिक कविता की व्याख्या। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नम्य वारित माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठे बीच में बिचरू सही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयालिन बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत मही माए रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूजी भर के इस गद्य का जो भाव है उसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूं। ये प्रस्तुत पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित कविता पथिक से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि पथिक के प्राकृतिक प्रेम के बारे में बतलाते हैं। पथिक संसार के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुक्त होकर वही बसने के इच्छुक व उत्सुक हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि नभ हो या आसमान, आसमान में बादलों का समूह, प्रतिरक्षण नूतन या नया वेश धारण करके रंग बिरंगे प्रतीत हो रहे हैं जो मानो सूर्य के समान ही थिरक रहे हों। आगे कवि कहते हैं कि नीचे मन को हारने वाला नीला समुद्र है तो वही ऊपर नीला गगन या आकाश विद्यमान है। प्रकृति के उप नजारे को देखकर ही पथिक का मन चाहता है कि
वह भी मेघ पर बैठकर समुद्र और गगन दोनों के दरमियान विचरण करे। आगे कवि के अनुसार पथिक कहता है कि मानो रत्नाकर अर्थात समुद्र गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत से आने वाली खुशबूदार हवाएं भी बह रही हैं। तत्पश्चात पथिक अपनी प्रेसी को संबोधित करते हुए कहता है कि इन दृश्यों से हरदम मेरे हृदय में उत्साह भरा रहता है। आगे पथिक अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि इस विशाल विस्तृत और महिमाएं रत्नाकर के लहरों पर बैठकर इसके घर रूपी विशाल कय जल मंडल के चारों दिशा में भ्रमण करता रहूं। मैं आपको दूसरा काव्य पढ़ा रहा हूं, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिम अधूरा कमला के कंचन मंदिर का मानो कान कंगूरा लादे को निज पुण भूमि पर लक्ष्मी की असवारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी अनुभव करो हृदय से अनुराग भारी कल्याणी। भावार्थ है इसके। प्रस्तुत पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित है। कविता पथिक से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि पथिक के प्राकृतिक प्रेम के बारे में बताते हैं। पथिक संसार के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं वहीं बसने को इच्छुक व उत्सुक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि पथिक सूर्य उदय का अद्भुत वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र की सतह से सूरज का विम अधूरा सा निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात सूरज जल के अंदर है तथा आधा बाहर दिखाई दे रहा है। आधा बाहर दिखाई दे रहा है। आगे कवि के अनुसार पथिक को ऐसा आभास हो रहा है मानो यह लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़कों का दृश्य पेश करता हुआ पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पूर्ण भूमि में लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो। आगे कवि कहते हैं कि समुद्र भयमुक्त होकर पूरी दृढ़ता से तथा गंभीर भाव लिए गरज रहा है। जब लहरें एक दूसरे पर आ रही हो तो वह दृश्य सचमुच अत्यधिक सुंदर लग रहा है। तत्पश्चात पथिक अपनी प्रेसी को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी और बताओ कि यहाँ जो सुख मिल रहा है क्या इससे अधिक सुख कहीं और भी मिल सकता है। अर्थात ऐसा सौंदर्य तुम्हें कहीं और मिल सकता है क्या। मैंने आपको बच्चों पथिक के बारे में पढ़ाया है, ये कविता के बारे में आपको बतलाया है, इसके भावार्थ के रूप को बतलाया है और त्रिपाठी जी के जीवन परिचय के बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आगे की कविता और उसके भावार्थ को मैं आने वाले समय में आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा। और मैं राकेश पांडे
आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से अभ्यास करिए, इसको पढ़िए, और कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है